आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव अधिकार की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पिछले 9 महीने का ब्यौरा दिया गया है, यानी कि शुरुआत के 2021 के 9 महीने, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इन 9 महीनों में चर्च पर और ईसाइयों पर लगभग 300 हमले हुए हैं भारत के अंदर। यहाँ ये रिपोर्ट इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में पूरी तरह से छप रही है, इस पर डिबेट हो रही है, इस पर बातचीत हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया का फिलहाल ये हिस्सा और मुख्य पेज की एक तरह से हेडलाइंस बनी हुई है। मैं इस पर आपको बताऊंगा कि कुछ घटनाओं का इसमें जिक्र किया गया है, क्योंकि लगातार हम भी आपके सामने इस तरह की रिपोर्ट लगातार रखते आए हैं। जब भी कहीं भी किसी पर अल्पसंख्यक पर हमला होता है, कोई भी घटना होती है, चाहे मॉबलिंग चेक की है या उनके धर्म स्थल की कोई चीज है, उस पर हमला होता है, तो लगातार हिंदुओं से आपके सामने रिपोर्ट रखता आ रहा है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके पीछे कौन से भाषण थे, कौन से तर्क थे और भीड़ को किस तरह से उकसाया गया है और कई ऐसे भाषण हैं जो इन हमलों का मुख्य कारण बने। इसमें काफी सारी चीजें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अभी पिछले महीने ही यानी अक्टूबर के महीने में, वैसे आज दिसंबर लग चुका है, तो अक्टूबर के लास्ट महीने में पॉप से मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उन्होंने आमंत्रित किया था कि आप हमारे यहाँ पर आइए। हमारे यहाँ पर ईसाइयों की बहुत बड़ी संख्या और एशिया की दूसरे नंबर का देश है जहां पर सबसे ज्यादा ईसाई बसते हैं और लगातार पिछले कुछ महीने में हमने देखा है कि कुछ हिंदुत्ववादी संगठन आए, उनके धर्म स्थलों को तोड़ दिया। चाहे रुड़की की घटना आप लोग उठाकर देख लीजिए या 3 दिन पहले घटना आप द्वारका में, अभी दिल्ली के द्वारका में, राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक गोदाम जो फिलहाल चर्च के रूप में इस्तेमाल हो रहा था उस पर हमला हुआ था और नारेबाजी की गई थी। शुरू में आपने जो क्लिप देखी ये हमारे सामने दूसरे प्रदेश की है, तो मैं यहाँ पर 3-4 प्रदेश का आपके सामने लेखा जोखा रखता हूँ जहां पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में हमले हुए हैं, जहां पर कांग्रेस है या दूसरी सरकार चल रही है वहां पर भी अटैक हुए हैं, लेकिन जिन संगठनों ने हमले किए हैं उनका नाता है खास पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस समय ये चीज कॉमन है। तो शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रुड़की की घटना काफी ज्यादा चर्चित हुई थी, वहां पर लोगों पर आरोप लगा था कि लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री ने एक कानून बनाने की भी पेशकश की थी। तो शुरुआती महीने में मानव अधिकार की जो रिपोर्ट आई है उसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा हमले कहाँ पर हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कर्नाटक में कम से कम 32 हमले हुए हैं जो धर्म स्थलों पर, ये सब ईसाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, ईसाइयों की, क्योंकि मुसलमानों के बाद एक सॉफ्ट टारगेट और ठीक ठाक टारगेट जो बना धर्मांतरण के नाम पे वो बना ईसाई। इसमें उत्तर प्रदेश में 66 हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। दूसरा है छत्तीसगढ़, जहाँ पे भूपेंद्र सिंह बघेल जो कांग्रेस के है, कांग्रेस शासित राज्य है, यहाँ पर तकरीबन 47 हमले हुए हैं। उसके अलावा झारखंड में 30 हुए हैं और मध्य प्रदेश में 30 हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हल्ला मचा है कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इन्होंने हिंदुत्ववादी संगठन ने कुछ ज्यादा हल्ला मचाया है। वैसे दिल्ली में भी अगर देखा जाए कुछ सालों का रिपोर्ट निकाले तो यहां पर भी काफी हमले हो चुके हैं, चाहे उसमें द्वारका हो, छतरपुर हो, कई सारे जो अच्छे खासे पोच इलाके में चर्च है उन पर हमले हुए हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक विधायक ने नारा भी दिया था जिसके बाद मध्य प्रदेश में इन हमलों में थोड़ी सी तेजी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमें चादर और फादर मुक्त भारत बनाना है, यानी कि चादर मुसलमानों से संबंधित था और फादर जो था वो ईसाइयों से संबंधित था। ये भाजपा विधायक थे रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने एक भीड़ को संबोधित करते हुए चीज कही थी अभी कुछ दिन पहले ही। उसके बाद जो हुआ वहां पर कई सारे हमें हमले देखने को मिले हैं। अगर मैं रुड़की की बात करूं जहां 3 अक्टूबर को, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे पॉप से मिले थे, उससे पहले अगर मैं बात करूं रुड़की शहर की तो तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। 3 अक्टूबर को यहाँ पर तकरीबन 250 लोगों की भीड़ एक चर्च में घुस जाती है, जो सोनालीपुरम रुड़की का एक इलाका है, वहां पर एक चर्च है उसमें घुस जाती है। उनकी बेटी जो फादर की बेटी है पर्ल लॉन्स उनके साथ, उसका कहना है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जब उस वक्त काफी सारी पब्लिश हुई थी और इस पर हंगामा हुआ था। एक ये मुख्य इसमें हमला दिखाया गया क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ एक तरह से इस जगह पर देखने को मिली थी। इसके अलावा 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में 1000 लोगों की रैली होती है जिसमें सीधे सीधे ईसाइयों पर सीधा सीधा ये कहा जाता है कि लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, इनको रोकने की जरूरत है। और इसमें एक भीड़ को संबोधित करते हुए एक महाराज है जिसका नाम निकल गया परमानंद महाराज, उन्होंने कहा था कि हिंदू लोगों को कुल्हाड़ी रखना चाहिए ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। इस भीड़ का हिस्सा भाजपा सांसद राम विचार नेताम
और भाजपा के पूर्व सांसद नंद कुमार और छत्तीसगढ़ राज्य के जो भाजपा स्पोक पर्सन है यानी के प्रवक्ता है अनुराग सिंहदेव, ये इस भीड़ में शामिल थे। और ये पूरी की पूरी भीड़ जो इकट्ठी हुई थी धर्मांतरण के खिलाफ, कि धर्मांतरण हो रहे हैं, इस वजह से इस भीड़ का आह्वान किया गया था। यानी कि छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, ये ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा, और मध्य प्रदेश, यहां पर सबसे ज्यादा एक तरह से हमले हुए हैं चर्च पर, ईसाइयों पर, और सिर्फ धर्मांतरण के नाम पर तोड़फाड़ की गई है। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, रुड़की की तस्वीर हमारे सामने आई हो, चाहे हमारे सामने दिल्ली की द्वारका की घटना हुई है 3 दिन पहले, यहां पर तक तो ये चिल्लाते हुए देखने को मिला कि गोली मारो सालों को, वही नारा जो पहले शाहीनबाग के लिए कहा गया था, या फिर दिल्ली में और कई जगह जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ था खासकर, कि देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को, ये इस तरह के नारेबाजी हमें पहले भी देखने को मिली है। लेकिन अब ये मुसलमानों के बाद ये एक टारगेट हुआ है इस ईसाइयों पर, तो उसमें काफी सारी वैसे लेखा जोखा है। लेकिन ये पूरी की पूरी रिपोर्ट मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले हम लोग इस पर खबर कर चुके हैं विस्तार से, आप लोग चाहे तो पुरानी खबर देख सकते हैं। कई सारी घटनाओं का इसमें जिक्र किया है मानवाधिकार ने, खासकर रुड़की हो गया, या छत्तीसगढ़ की घटनाएं हो गई, या कर्नाटक की घटनाएं हो गई, और फिर दिल्ली जो देश की राजधानी है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम बात करें 2014 के बाद काफी सारे चर्च पर हमले हुए हैं, और अभी 3 दिन की घटना हमारे लिए नई है जो द्वारका से हमारे सामने आई थी। तो ये रिपोर्ट आ रही थी फिलहाल, जो इंटरनेशनल मीडिया में हिस्सा बनी है, कई सारे बड़े मीडिया संस्थान इसको छाप रहे हैं क्योंकि मानवाधिकार की रिपोर्ट है, और ऐसे हालात में जब मोदी जी वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके एक तरह से उनके मानने वाले हैं, उनके एक तरह से भक्त जिन्हें कहें, वो किस तरह से लोगों के साथ कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, या उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, वो आप लोगों के सामने है। आपको जो भी कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।